सभी का स्वागत है। रुचिका जी, 2016 से अब तक की आपकी की जर्नी के बारे में बताइए। सो 2016 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। 2016 में एक्चुअली मैंने एक ये किया, शूट किया था। एक्चुअली मेरे एक फोटोग्राफर ने मुझे रेफर किया था शूट के लिए। सो मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा शौक था, मतलब सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। सो मैं काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ अपलोड करती थी, फेसबुक पे करती थी एंड इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट पे। सो देन आई थॉट कि यार, मतलब मुझे देन मैं जब देखती थी लाइक एक्टर्स एक्ट्रेस, सो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगता था कि यार मीडिया उनके पीछे होती थी एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे लेवल पे थे। सो आई थॉट कि मुझे भी जाना चाहिए। सो मैंने बहुत ट्राई किया। देन वो फोटोग्राफर ने मुझे बोला कि यार आई एम हैविंग अ शूट, सो मुझे वो शूट करना है तुम्हारे साथ, जिसका ब्रांड का नाम था ग्लोबस। तो मैंने ग्लोबस के लिए शूट करती रही मैं। उन्होंने मेरे फिर फोटोज़ मैगजीन्स में उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ डाले, लोकमत टाइम्स में। सो उन्होंने फ़ोटोज़ अपलोड किए। सो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कि हाँ मंडे को मेरे फ़ोटोज़ अपलोड करते थे। देन एक्चुअली मेरे मॉम डैड को नहीं पता था ये बारे में कि आई एम डूइंग द शूट, बिकॉज मॉडलिंग के लिए वो नहीं बोल रहे थे। मतलब उन्हें मॉडलिंग के लिए अब लोग बोलते हैं कि मॉडलिंग इज़ नॉट दैट गुड फील्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी लाइन है। सो मॉडलिंग के लिए उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी ये किया कि मत करो, बट यस देन आफ्टर देखने के बाद उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ मैगजीन्स में देखने के बाद, एंड जैसे मेरे डैड ने बताया कि उन्होंने मेरी कंप्यूटर में डांस वीडियो देखी। सो डांस वीडियो एंड मेरे जो भी वॉक्स थे तो वो काफ़ी इंप्रेसिव थे। सो उन्होंने मुझे देन सपोर्ट किया। सो मैं उनके पीछे लग गई थी 10th स्टैंडर्ड से कि यार आई हैव टू गो टू बॉम्बे, प्लीज़ सपोर्ट मी। सो उन्होंने मेरा 12th पास आउट होते ही उन्होंने मुझे बॉम्बे भेज दिया। देन वहाँ पे मैंने एक शो किया, दैट वाज मिस इट वाज इन राजस्थान भिलवाड़ा, मिस जीव ऑफ इंडिया इंटरनेशनल 2017। सो वो शो हुआ मेरा। सो उसमें मैं सेकेंड रनर अप बनी एंड मुझे मिस जीव ऑफ इंडिया कॉन्टिनेंटी का टाइटल मिला। वो दो टाइटल थे मेरे पास। एंड आफ्टर दैट मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब अवार्ड शो में, लाइक मुंबई में अवार्ड शो हुआ था, वहाँ पे भी मुझे बुलाया गया। एंड काफ़ी जगह, मतलब मोहदा में भी एक शो होता है जो नागपुर में होता है, उन्हें भी मुझे बुलाया गया। बट हाँ, बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं आ पाई, बिकॉज आई वॉज इन बॉम्बे एट अ टाइम। एंड देन आफ्टर दैट मुझे एक अवार्ड मिला डीवा सीजन 4 में, मिस ग्लोबल एक्सेलेंस आइकॉन अवार्ड। सो वो अवार्ड मिलने के बाद देन मुझे एक चांस मिला, बिकॉज मैं पहले से चाहती थी कि मुझे बनना है मिस इंडिया, मिस डिवा वटेवर, विनर बनना था मुझे। सो मैं चाहती थी कि यार कुछ बनूँ। सो मैंने अपना बेस्ट दिया। मिस इंडिया ये हुआ बैंकॉक में, पटाया में ये शो हुआ। एंड मैंने अपना मतलब पूरा 100% दिया उस शो में। एंड आफ्टर दैट यस, मतलब मुझे एक्टिंग, आप एक्टिंग करना चाहते हो, आपका टारगेट है कि एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आपके हीरो या हीरोइन कौन ऐसे हैं जिसको देख के आप चाहते हैं कि मैं उनके जैसा करूं? करीना कपूर खान, यस आई लव करीना कपूर खान। एंड इन हॉलीवुड आई लव काइली जेनर, सो दे बोथ आर माय फेवरेट। एंड मुझे बहुत मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। ये हो गए फीमेल, मेल में भाई लुक वाइज आई लाइक कार्तिक आर्यन, यस, एंड शाहरुख खान ऑब्वियसली इज माई आइडियल। जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ये है, क्या कहेंगे उसे, कि स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को देख के आपको क्या लगता है कि क्या उस स्ट्रगल में आप चल पाएंगी, वो स्ट्रगल आप कर पाएंगी? या शो कर पाऊंगी स्ट्रगल को, अभी तक मैंने किया है, मैंने सोचा नहीं था कि मिस इंडिया का टाइटल, सो मुझे ये स्ट्रगल करके ही मिला है। सो आगे तक मैं स्ट्रगल करूंगी डेफिनेटली। आपने जैसे एक्टिंग के बारे में कहा, तो एक्टिंग का आपको कुछ पूर्व एक्सपीरियंस है? एक्टिंग का एक्चुअली मैंने एक शॉर्ट फिल्म डब की थी, मतलब शॉर्ट फिल्म था, बट उसकी डबिंग ऑन टाइम ना होने के कारण वो डब नहीं हुई थी शॉर्ट फिल्म, मतलब मैंने की थी उसमें एक्टिंग की थी। सो इट बेस्ड ऑन क्लीनलीनेस। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।